असलम स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट एन एब्सट्रैक्ट दिस लेक्चर इज अ कॉम्प्रीहेंसिव स्टेटमेंट ऑन द प्रोसेस ऑन द प्रोसीजर हाउ टू राइट एन एब्सट्रैक्ट और इसको हम इन शॉर्ट कहेंगे आई एम आर ए डी ये एक टर्म है जो कि यूज़ की जाती है वैन वी स्टार्ट राइटिंग एन एब्सट्रैक्ट लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर वॉट इज इन एबस्ट्रैक्ट तो इन जनरल हम देखेंगे कि वाट इज़ एन एब्सट्रैक्ट किस चीज़ को हम एब्सट्रेक्ट कहते हैं एब्सट्रैक्ट इज़ वन फिफ्टी टू टू फिफ्टी वर्ड पैराग्राफ दट प्रोवाइड्स रीडर्स विद अ क्विक ओवर व्यू ऑफ योर एस ए और रिपोर्ट आप कोई ऐसे लिखते हैं या कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो उसके लिए आप एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखते हैं जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं एंड दिस पैराग्राफ मस्ट कंटेन 150 टू 250 वर्ड्स इसको एब्सट्रेक्ट कहेंगे जी हम इट शुड एक्सप्रेस योर थीसिस और सेंट्रल आइडिया एंड योर की पॉइंट्स तो ये जो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है ये जो पैराग्राफ है इट शूड एक्सप्रेस योर सेंट्रल आइडिया ऑफ द एस एफ द रिपोर्ट एंड इट शुड ऑल्सो कंटेन द मेन की पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसे और रिपोर्ट जिसके ऊपर आप लिखने जा रहे हैं उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिग्निफिकेंट उसके जो भी की पॉइंट्स हैं आइडियाज हैं वो सब के सब उसके अंदर मौजूद होने चाहिए इट शूड ऑल्सो सजेस्ट एनी इम्प्लीकेशन और एप्लीकेशन ऑफ द रिसर्च यू डिस्कस इन द पेपर इसके अलावा उसके अंदर जितने भी आपके एम्प्लीकेशनस हैं एप्लीकेशन ऑफ द रिसर्च जो आपने जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया है वो रिसर्च आपके जिन एरियाज में अप्लाई की जा सकती है जिन एरियाज़ में इम्प्लीमेंट की जा सकती है आपको वहाँ पर उनके बारे में बताना है सो इन शॉर्ट अब जो एब्स्ट्रैक्ट है वो एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है जो हमारे रिसर्च आर्टिकल या हमारे ऐसे के बारे में रीडर्स को बताता है सो वेन वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ एन एब्सट्रैक्ट कि एक एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट का तो हम कह सकते हैं एन एब्सट्रैक्ट इज़ कंसाइज समरी ऑफ रिसर्च पेपर ऑर द थीस तो ये एक कंसाइज समरी होती है कंसाइज जब हम बोलते हैं तो ये जो एडजेक्टिव है ये बता देता है कि कितना आपका रिसर्च पेपर जो है उसको फुल एंड फाइनल होना चाहिए अबाउट द सेंट्रल आइडिया अबाउट द की पॉइंट्स अबाउट द मेजर सिग्निफिकेंट आइटम्स जो भी आपने उसमें रिसर्च पेपर में अपने थीसिस में लिखे हैं तो कंसाइज जो है उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए हैं तो कंसाइज समरी फॉर रिसर्च पेपर और द थीसिस इज कॉल्ड एन एप्स्ट

शुड बी एन औरिजनल वर्क नाट एन एक्स्ट्रैक्ट पैसेज यानी आपका जो तो एब्रैक्ट होता है इट शुड बी एन ओरिजिनल वर्क यानी कि आप ख़ुद से इसको रीफ्रेस uh, करते हैं और क्रिएट करते हैं और रिक्रिएट करते हैं इट् शुड नाट बी एन एक्सट्रैक्ट पैसेज ना तो आपके रिसर्च में से ये एक्स्ट्रैक्ट होना चाहिए है और ना ही किसी और वर्क में से किसी और आर्टिकल्स में से किसी और रिसर्च पेपर में से आप इसको एक्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं एन एब्सट्रैक्ट मस्ट बी फुली सेल्फ कंटेन्ड एंड मेक सेंस सेल्फ, विदाउट फर्दर रेफरेंस टू आउटसाइड सोर्सेज और टू द एक्चुअल पेपर तो जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ये सेल्फ कंटेंड होना चाहिए है इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि व्हेन अ रीडर रीड्स एन एबस्ट्रैक्ट उसको बहुत अच्छे से पूरी अवेयरनेस मिल जाए उसको पूरा नॉलेज मिल जाए उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च आर्टिकल और द पेपर और द ऐसे जो आपने लिखा है उसके बारे में उसको सारी चीज़ें पता चल जाएँ उस एब्जेक्ट को पढ़ने के बाद यानी उसको किसी रेफरेंस की ज़रूरत ना रहे उसको किसी और चीज़ के पढ़ने की ज़रूरत आउट आउट सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़े ना उसको पूरा पेपर पढ़ना पड़े आपका एब्स्ट्रेक्ट पढ़कर उसको आपके तमाम जो रिसर्च आपने किया है उसका पर्पस है उसका मेथडोलॉजी है उस पूरे पेपर में जो कुछ भी आपने लिखा है उस सब के बारे में उसको सिर्फ वो एक एब्स्ट्रेक्ट पढ़कर पता चल जाए इट हाइलाइट्स की कंटेंट एरियाज़ योर रिसर्च पर्पस, द रेलिवेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ योर वर्क एंड द मेन आउटकम्स तो ये जो हमने इस सेंटेंस में डिस्कस किए हैं दीज can be termed as the contents of an abstract key content areas key content areas research purpose and relevance and significance of the work or the research you have done or जो आउटकम्स हैं उसके द रिजल्ट्स और द रिकमेंडेशन और द कंक्लूजन डिस्कशन ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी इम्प्लीकेशंस भी आपकी uh, जो भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं सब चीज़ें अप्लीकेशन कंटेनिंग सब चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर सो इट हाइलाइट्स की कॉन्टेंट एरियाज रिसर्च पर्पज रेलिवेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ योर वर्क एंड द मेन आउटकम्स इट इज अ वेल डेवेलप्ड सिंगल पैराग्राफिक्स अप्रॉक्सीमेटली टू फिफ्टी वर्ड इन लेंथ जो हमने पीछे भी बात की थी फ्रॉम वन फिफ्टी टू टू फिफ्टी वर्ड इन लेंथ होना चाहिए द फंक्शन ऑफ द एब्सट्रेक्ट इज टू आउटलाइन ब्रीफली ऑल पार्ट ऑफ द पेपर जो आपने रिसर्च पेपर या आपका जो ऐसे लिखा है उसके तमाम पार्ट्स को ये ब्रीफली आउटलाइन करता है यानी आउटलाइन आप कैसे जैसे आप लिखते हैं आउटलाइन ऐसे के लिए तो आपका आउटलाइन पढ़कर पता चल जाता है कि वट यू आर गोइंग टू राइट इन योर ऐसे तो बिल्कुल उसी तरह से जो आपका एबस्ट्रेक्ट होता है वो उसी तरह से फंक्शन रहा होता है पेपर uh, uh, चीज़ें आपने की हैं उन सबको यहाँ पर बता रहा होता है ऑल दो इट इज प्लेस्ड द बेगिनिंग ऑफ योर पेपर इमीजिएटली फॉलोइंग द टाइटल पेज द एब्सट्रेक्ट शुड बी द लास्ट थिंग दैट यू राइट वंस यू आर श्योर ऑफ द कंक्लूजन यू विल रीच तो जी अब हम आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि प्लेसमेंट क्या एब्स्ट्रेक्ट की एब्सट्रेक्ट जो है वो सबसे पहले लिखा जाता है आपका टाइटल पेज होता है टाइटल पेज के बाद जो वेरी नेक्स्ट थिंग इज द एब्सट्रैक्ट बट द एब्सट्रेक्ट इज द लास्ट थिंग जो एक रिसर्चर लिखता है वो सबसे एंड पर एब्सट्रेक्ट लिखता है यानी वो समराइज़ करता है अपने तमाम वर्क को अपने तमाम रिसर्च वर्क को इन द फॉर्म ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट तो जिस वक्त तो आप वेन योर श्योर वेन यू आर कॉन्फिडेंट नाफ़ दैट आप आपके जो कंक्लूजनस हैं जो आपका जो रिसर्च क्वेश्चन थे वो सारे के सारे या जो ऑब्जेक्टिव थे वो आपने अचीव कर लिए हैं देन यू आर हीयर टू राइट द एब्सटेक्ट नाउ दिस इज़ द पॉइंट दिस इज़ द प्लेस जी दिस इज़ एब्सट्रेक्ट ये एक इमेज हमारे सामने है जी तो एब्सट्रेक्ट में ये डिफरेंट कलर्स के साथ हमें इसके पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं जी जो अभी आप देख लीजिए कि इसमें आपको थोड़ा सा आ, जो इसका साइज़ है उससे भी आपको आइडिया होगा कि आपके जो एब्स्ट्रैक्ट के पार्ट्स हैं उनका कितना साइज होना चाहिए तो एब्स्ट्रैक्ट जो स्टार्ट होता है जी एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में आपका बैकग्राउंड भी आ जाता है मेनली दिस इंक्लूड्स द पर्पस ऑफ द रिसर्च पेपर द आर्टिकल और द एसे इसमें उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी आ जाता है जिसको इन, द फॉर्म ऑफ बैकग्राउंड भी लिखा जा सकता है सो दिस पार्ट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द एबस्ट्रेक्ट देन कम्स द मैथड्स जिस तरह से आप उस पूरे जो आपका पर्पज़ है जो आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है आप उसको किस तरह से करेंगे फुलफिल किस तरह से आप उसके आंसर्स को ढूँढेंगे किस तरह से आप उसके रिजल्ट को एनालाइज करेंगे ये सारी चीज़ें जो आप देखेंगे इसमें मैथड्स में, methods में. तो आप यहाँ पर अपनी मैथडोलॉजी को डिफाइन करेंगे नेक्स्ट कम्स रीज़ल्ट और फाइनिंग्स तो जो रीज़ल्ट और फाइनडिंग्स हैं इसमें आपके जो जो भी आपने रिसर्च किया है उस रिसर्च की जितनी भी फाइनिंग्स हैं उन सारों को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है ब्रीफली जो यानी मेन पॉइंट्स हैं जो मेन की पॉइंट्स हैं रिजल्ट्स के उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है तो so इसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा है बाकी सब चीज़ों से कि ये आपके रिसर्च की सिग्निफिकेंस को भी हाईलाइट करेगा और आपके जो um, जो आपका क्वेश्चन है रिसर्च क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पर वो ब्रीफली यहाँ पर एक्सप्रेस करेगा नेक्स्ट कम्स द कंक्लूजन कंक्लूजन्स जो है वो आपके बिल्कुल एंड पर आता है जिसमें आपके रिकमेंडेशंस भी आ सकते हैं आपके इम्प्लीकेशंस आपके एप्लीकेशंस भी आते हैं सो दिस इज़ द होल पिक्चर ऑफ एन एब्सट्रैक्ट नाउ कम टू द कॉन्टेंट्स ऑफ एन एब्सट्रैक्ट तो जब हमसे क्वेश्चन किया जाता है वॉट आर द फाइव कॉन्टेंट्स ऑफ एन एब्सट्रैक्ट तो फिर हमने ये वाले फ़ाइव कॉन्टेंट्स लिखने हैं और हमें पता है कि बहुत अच्छे से अगर हमसे फ़ोर कॉन्टेंट्स पूछे जाते हैं तो तब हमने कौन से बताने हैं और फाइव पूछे जाते हैं तो तब हमने कैसे बताने हैं और हमें ये भी पता है कि हम लोग फोर कॉन्टेंट्स फाइव कॉन्टेंट्स को सेम तरह से हमने बताना होता है कि उसमें एक ऐड कर तो वो हमारा फिफ्थ वाला कॉन्टेंट बन देगा जिद फाइव कॉन्टेंट्स ऑफ एन एब्रैक्ट जो हैं को हम बताएंगे नंबर रीजन फॉर राइटिंग द रीजन ऑफ फॉर राइटिंग इन फैक्ट इट डिफाइन्स वाई वाई ऑफ द रिसर्च वाई ऑफ द रिसर्च में क्या आ जाता है जी वॉट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च आप क्यों कर रहे हैं ये रिसर्च आपका जो रिसर्च जो ऑब्जेक्टिव है आपका उसका पर्पस क्या है व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड योर रिसर्च तो ये जो वाई है ये यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट इसको हम इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं नंबर टू इज प्रॉब्लम प्रॉब्लम डिफाइंस व्हाट ऑफ द रिसर्च आपका जो रिसर्च है वो किस चीज़ के बारे में है उसमें प्रॉब्लम क्या है वो जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या है इसको हम अगर पढ़ेंगे तो दैट इज वॉट प्रॉब्लम डज दिस वर्क अटेम्प्ट टू सॉल्व वॉट इज़ द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट वॉट इज़ द मेन आर्ग्यूमेंट थीसिस और क्लेम तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है या जो हमारा वॉट है ऑफ uh, रिसर्च या ऑफ एबस्ट्रेक्ट वो बताने जा रहा है अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द रिसर्च हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके बारे में बताएगा कि वो क्यों हम करने जा रहे हैं और वो प्रॉब्लम क्या है उसका स्कोप क्या है और हमारा जो मेन आर्ग्यूमेंट है हमारा जो सेंट्रल आइडिया है हमारा थीसिस हमारा क्लेम क्या है अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम नेक्स्ट कम्स मैथडोलॉजी मैथडोलॉजी डिफाइन्स रिसर्च हाउ ऑफ द एब्सट्रेक्ट तो हाउ जो है मॉडल और अप्रोचेस यूज इन द लार्जर स्टडीज में हम बताएंगे कि किस तरीके से हम कौन सी रिसर्च मेथडोलॉजी हम अप्लाई करने वाले हैं वेन वी कम टू दिंपल

हमने यहाँ पर उस डाटा को डिस्कस करना है उसके रिजल्ट्स को हमने यहाँ पर बताना है अदर एपसिट्स में डिस्कस द फाइंडिंग्स इन अ मोर जनरल वे अब वो डाटा है डाटा की फॉर्म में है या हम उसको फाइंडिंग्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास इन जनरल हमारे पास आई हैं जिनको हम आ, उस तरह से स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं यानी यहाँ पर हमारे क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव का डिफरेंस आ जाएगा बट हमने यहाँ पर रिजल्ट को डिस्कस करना है नंबर फाइव इज इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशंस हाउ डज दिस वर्क एट द बॉडी ऑफ नॉलेज ऑन द टॉपिक अब यहाँ पर हम सिग्निफिकेंस को डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा रिसर्च है वो किस तरह से उसने हमारा जो नॉलेज का बॉडी है जो इंफॉमेशन है एग्जिटिंग इंफॉर्मेशन था एक्जस्टिंग नॉलेज था उसमें उसने कितने डिग्री कितने लेवल तक उसने इसको इन्हेंस किया है आदर इनी प्रैक्टिकल और थ्राटिकल एप्लीकेशन फ्राम योर फाइनिंगस और हमारा रिसर्च जो है वो कितना रोल प्ले कर रहा है Uh, हमारी फाइंडिंग्स जो है वो किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी किस्म की प्रैक्टिकल या थ्रेटिकल एप्लीकेशन जो हमारी रिसर्च की है उसमें नेक्स्ट इज़ फोर कॉन्टेंट्स ऑफ एन ऐब्सट्रैक्ट फोर कॉन्टेंट्स ऑफ एन ऐब्सट्रैक्ट जो है इसको हम uh, उसी तरह से डिफाइन करेंगे जैसे हमने पीछे से किया था uh, हमने उसमें अपना इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें हमने uh, जो मेथड्स uh, पढ़े थे उसके बाद हमने रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स पढ़े थे तो वो जो एक इमेज हमें नजर आया था हम उसको कह सकते हैं नोन एज आई एम आर ई डी आई एम आर ई डी जे इसका एब्रीबेशन है और इसमें आई स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन एम स्टैंड्स फॉर मेथड्स आर स्टैंड्स फॉर रिजल्ट्स एंड डी स्टैंड्स फॉर डिस्कशन तो आई एम आर एंड डी जहां पर कहीं पर भी लिखे नजर आएंगे तो वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट के इन कॉन्टेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे होंगे सो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि आई एम आर एंड डी ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट के इन कॉन्टेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं एंड दीज कॉन्टेंट्स आर टर्म्ड एज़ द इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन जिसमें कि हम अपने डिस्कस कर रहे हैं पर्पस को उसके कॉन्टेक्स्ट को एज़ वाई एंड वॉट जो हमने अपने फाइव कॉन्टेंट्स में uh, इनको दो स्टेज़ uh, में डिस्कस किया था रीज़न फॉर राइटिंग और प्रॉब्लम में तो ये यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं जी इन द सेम सेक्शन एंड दैट इज़ द इंट्रोडक्शन जिसमें कि हम पर्पस की भी बात करेंगे नेक्स्ट इज नंबर टू मेथड्स मेथड्स में हम डिस्कस करें हैं मैथडोलॉजी यूज टू रिसर्च और ये डिफाइन करेगी उसी हाव को जो हमने वहाँ पर किया था पिछले फाइव कॉन्टेंट्स में नंबर थ्री इज़ रिजल्ट रिजल्ट इंक्लूड फाइंडिंग्स रिकमेंडेशन एंड इम्प्लीकेशंस किस किस तरह से अप्लाई भी किया जा सकता है उसको नंबर फोर इस डिस्कशन डिस्कशन और कंक्लूजन ठीक है जी ये दो डिफरेंट हेड्स में भी आ जाता है और लेकिन यहाँ पर जब हम एब्स्ट्रैक्ट में लेकर आते हैं तो ये डिस्कशन जो है इसको हम डिस्कशन और कंक्लूजन दोनों तरह से ले सकते हैं इसलिए हमने इसको सेम स्टेज पर लिखा है जी उसके बाद है जी की वर्ड्स की वर्ड्स जो हैं ब्रैकेट में हमने लिखा है इसको डिफाइन किया है की वर्ड्स क्या होते हैं जी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द रिसर्च जो है हम यहाँ पर की वर्ड्स की सूरत में लिखते हैं जो कि पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है कि जो हमारा रिसर्च आर्टिकल है जो हमारा रिसर्च पेपर है हमारा जो ऐसे है वो उसमें कौन कौन सी मेन एलिमेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं सो दीज आर द फोर कॉन्टेंट्स फून एब्सट्रेक्ट और इसके अलावा भी अगर हमसे पूछा जाता है तो एक और uh, जगह से भी हमें एक और जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं उन्होंने हमें बताया है कि एबस्ट्रेक्ट के फ़ोर कंटेंट्स को हम आई एम आर एंड डी के अलावा हम पर्पस मेथड्स रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन के साथ भी हम उसको बता सकते हैं सो फोर कंटेंट्स हमारे ये डिफरेंट फोर हैं जिसमें से हमारा फर्स्ट और फोर्थ वर्क जो है वो डिफरेंट हो जाता है यानी हमारे फोर कंटेंट्स होंगे इंट्रोडक्शन मैथर्स रिजल्ट्स एंड डिस्कशन और जो सेकंड स्कॉलर हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा फोर कॉन्टेंट्स हैं जी पर्पस मेथड्स, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन सो दीज आर द फोर कॉन्टेंट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। और अगर हम इसको इमेज की सूरत में यहाँ पर हम देखें तो हमारे सामने हैं जी नंबर वन इज़ इंट्रोडक्शन नंबर टू मटीरियल्स एंड मैथड्स नंबर थ्री रिजल्ट एंड नंबर फोर डिस्कशन इज टूल टू एब्सट्रैक्ट यानी एब्सट्रैक्ट इज़ मेड अप ऑफ दीज फोर आइटम्स Next comes four C's of an abstract. If द एग्ज़ामिनर आस अस अबाउट फोर सीज ऑफ एन एब्जेक्ट की क्या क्या चीज़ें ऐब्जेक्ट की होनी चाहिए हैं उसकी क्वालिटीज़ फोर सीज क्वालिटीज़ के बारे में बताएं तो दीज मस्ट बी कम्प्लीट कंसाइज क्लियर एंड कोहेसिव हमारा एब्जेक्ट जो है इट मस्ट बी कम्प्लीट दैट इट कवर इट शुड कवर द मेजर पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट जितने भी हमने हमारे रिसर्च में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको यहाँ पर हमने कम्प्लीटली uh, बता देना है कंप्लीटली एक्सप्रेस कर देना है इन द इन द एब्स्ट्रैक्ट नेक्स्ट इज कनसाइज एब्स्ट्रैक्ट मस्ट बी कनसाइज

एब्जेक्ट मस्ट बी को फ्लो स्मूथली बिटवीन दिन ये नहीं लगना चाहिए कि पिछला तो पार्ट जो था वो कुछ और था और अगला पार्ट टोटली डिफरेंट होना उनमें एक कोहिजन होना चाहिए है कि एक दूसरे के साथ उनका बॉन्डेज जो है वो हमें नजर आना चाहिए नेक्स्ट आर द इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स कि किस तरह से हम अपने एब्जेक्ट को ये फोर चीज भी हमारे कवर हो जाएं और एब्जेक्ट के जो मेजर एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं जो कॉन्टेंट्स डिस्कस किए हैं हम उनको भी कवर कर सकें

Uh, उसमें हमारे जो वर्ड काउंट है बिकॉज एवरी वर्ड इज़ काउंटेड हियर तो उसमें हमें अपने वर्ड्स को बहुत ध्यान से बहुत कंसाइसली बहुत प्रिसाइसली यूज़ करना है तो वो हम अगर एक्टिव वॉइस यूज़ करेंगे सेंटेंसेस फॉर्म में तो वो फिर उसमें हमारे वर्ड्स कम लगेंगे जी तो पैसि वाइस में तो डेफिनेटली वो हमारे ज़्यादा वर्ड्स आ जाएंगे नंबर टू अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस कंसाइज एक्सप्रेशन मस्ट बी यूज और सिंगल वर्ड्स मस्ट बी यूज इसमें एक्साम्पल है जी कि अगर हमें इन ऑर्डर टू लिखना है तो उसके लिए हम टू यूज़ कर सकते हैं So, ये हमें दोनों चीज़ों को कंसिडर करना है कि जी पैसिव सेंटेंसेज और लॉन्ग सेंटेंसेज जो हैं हमें अवॉइड करने हैं नंबर टू नंबर थ्री अवॉइड ऑब्सक्यर जैगन यानी हमें हमारा जो एब्सैक्ट है इट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल टू द रीडर्स इवन टू दो आर अन अवेयर ऑफ द कॉन्टेंट ऑन अवर ऑफ़ द टॉपिक ऑफ द रिसर्च तो उनके लिए भी इसको इजी होना चाहिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए ऐसा नहीं कि जो उस टॉपिक से या उस एरिया ऑफ नॉलेज से अनअवेयर है तो उसके लिए वो एक टोटल एक डिफरेंट ऑब्सक्योर सी चीज़ हो नंबर फोर अवॉइड एंड फिलर वर्ड्स हमें रिपीट नहीं करने हैं वर्ड्स हमें बहुत सारे फिलर वर्ड्स यूज़ नहीं करने हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है हमें बहुत कंसाइजली वर्ड्स को यूज़ करना है बहुत इकोनॉमिकली यूज़ करना है नंबर फाइव अवॉइड डिटेल डिस्क्रिप्शन जो हमें पीछे भी बात की है अननेसेसरी डिटेल्स हमने और एक्सेसिव information हमें यूज नहीं करना है नेक्स्ट इज़ द लिस्ट हम जब एबस्ट्रेक्ट लिख रहे हों और लिख चुके हों तो फिर उसके बाद हमने चेक लिस्ट जो है वो हमारे पास होनी चाहिए जी और इसको हम पेपर पर पे लिख भी सकते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि क्या हमने पूरा काम कर लिया है या नहीं नंबर वन द वर्ड इज विद इन द रिक्वायर्ड लेंथ और मैक्सिमम ऑफ वन पेज हमारे पास एक तो एक वर्ड लेंथ है जो कि हमें पता है वन फिफ्टी टू 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 फिफ्टी वर्ड्स होना चाहिए और मैक्सिमम एक पेज पर हमारा एप्सेट कवर होना चाहिए और ये एबसेट के लिए सेपरेट पेज होता है जी तो ये उस एक सेपरेट पेज पर हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए एब्सेक्ट उसे सीड नहीं करना चाहिए नंबर टू द एब्सट अपीयर्स आफ्टर द टाइटल पेज एंड एक्नोलिजमेंट्स एंड बिफोर द टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स और जब हम अपना रिसर्च पूरा लिख चुके हैं पेपर तो उसमें हमारा एबसेट जो है उसकी प्लेसमेंट को हमें चेक करना है कि क्या हमने वो ठीक किया है नंबर थ्री क्लियरली स्टेटेड माई रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव्स कि मैंने अपने रिसर्च प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव्स को एब्जेक्ट में बहुत अच्छे से लिख दिया है नंबर फोर आई हैव ब्रीफली डिस्क्राइब माय मेथडॉलॉजी नंबर फाइव आई हैव समराइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर सिक्स आई हैव स्टेटेड माय मेन कंक्लूजन इन द दब्जेक्ट नंबर सेवन आई हैव मैंशनड इंपॉर्टेंट लिमिटेशन एंड रिकमेंडेशन एंड नंबर एट आई Uh, the abstract is understandable by someone without prior knowledge of the topic जिस जिसको के बारे में नहीं भी पता वो भी जिस वक्त abstract पढ़े तो उसको पता चल जाए कि जी आप किसके बारे में बात कर रहे हैं और किसके बारे में research कर रहे हैं और उससे उसमें एक interest भी develop हो कि वो आपका पूरा research paper पढ़ सके सो so, uh, now we come to when to write an abstract। जी abstract हमने किस वक्त लिखना है Number वन कम्प्लीटिंग थीिस और डिसटेशन जिस वक्त हमने अपना थीसिस कम्प्लीट कर लिया हमने अपना रिसर्च कम्प्लीट कर लिया है तो अभी हम एक एब्स्ट्रेक्ट लिखेंगे नंबर टू समिटिंग अ रिसर्च पेपर टू इन एक्डेमिक जर्नल किसी भी एकेडमिक जर्नल पर अपना पेपर पब्लिश कराने के लिए हमें एक एब्स्ट्रेक्ट जो है वो लिखना होता है ताकि उसके बेसिस पर अप्रूवल होती है रिसर्च पेपर की नंबर थ्री राइटिंग अ बुक और रिसर्च प्रपोजल किसी भी बुक को या रिसर्च प्रपोजल को लिखने के लिए राइट एबस्ट्रेक्ट लिखना है नंबर फोर अप्लाइंग फॉर रिसर्च ग्रांट्स सो दिस इज ऑल अबाउट आर टॉपिक हाउ टू राइट इन एब्सट्रेक्ट होप यू अंडरस्टैंड वेल थैंक यू एंड अल्लाह हाफ